अनित्य बोध महासचिव धमभूमि गुजरात। आज हम जहाँ खड़े हैं वो ऐतिहासिक इमारत है जो जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन नौकरी की थी। 23 सितंबर को भीम संकल्प शताब्दी वर्ष 100 साल पूरे होने हैं, तो हरियाणा से क्रांतिकारी भिखू डॉक्टर करुणाशील राहुल यहाँ वंदना करवाएंगे। ये ऐतिहासिक भूमि क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमारे साथी बताएंगे। जय भीम, नमः बुद्धाय। मैं कुमार बौद्ध, धमभूमि गुजरात अध्यक्ष। आज हम यहाँ कलेक्टर कचहरी बरोड़ा आए हुए हैं। यहाँ जो बाबा साहब ने 11 दिन बिताए हुए थे, जो जाति की वजह से जो अपमानित हुए थे, उस कलेक्टर कचहरी के जो सामने खंड है वहाँ बाबा साहब ने अपनी 11 दिन की जो थी ड्यूटी बजाई हुई थी। तो इसके बारे में, ये कलेक्टर कचहरी ऐतिहासिक भूमिका के बारे में हमारी उपासिका धमभूमि की दिव्या बोध इसके बारे में कुछ बातें बताएंगी, जो हम सुनेंगे उसका। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट दिव्या बोध आज आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो एक ऐतिहासिक जगह है, कलेक्टर कचहरी जो बरोड़ा में है। आज से 100 साल पहले 1917 की बात है, जब बाबा साहब विलायत से पढ़ के लौटे, तब हमारे जो रियासत बरोड़ा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उनकी ओर से बाबा साहब को एक खत मिला। उस खत में बाबा साहब को सर सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से एक नौकरी की ऑफर की गई, और इसके बारे में बाबा साहब ने कहा था कि जब बाबा साहब विलायत पढ़ने जा रहे थे तब एक करार हुआ था सयाजीराव गायकवाड़ और बाबा साहब के बीच, कि जब बाबा साहब अपना जो एजुकेशन है वो विलायत से कंप्लीट करके आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद वो बरोड़ा में 10 साल तक नौकरी करेंगे। इस करार के हिसाब से बाबा साहब 1917 में बरोड़ा आए थे। बरोड़ा में जो कलेक्टर कचहरी है, एक नंबर का रूम है, वहाँ पे वो नौकरी करते थे। यहीं पे बैठ के बाबा साहब ने 11 दिन तक काम किया, अपनी सर्विस दी। लेकिन ये जो 11 दिन थे वो बाबा साहब के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब को यहाँ पे बहुत सारी यातनाएं और दुखद अनुभव हुए। यहाँ पे पियून तक बाबा साहब को पानी देने से इनकार करता था। यहाँ के जो लोग थे जो उनके साथ काम करते थे, वो उनको हमेशा इस बात का एहसास करवाते थे कि वो एक अछूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इस बावजूद बाबा साहब ने अपना जो काम है वो अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन एक दूसरी दुविधा भी थी बाबा साहब के लिए, कि जब बाबा साहब अपने लिए घर ढूंढने के लिए निकले बरोड़ा में, तो कहीं पे भी उनका नाम सुनकर, उनकी सरनेम सुनकर उनको रहने की जगह नहीं मिली। इस वजह से बाबा साहब बहुत परेशान हुए। 2-3 दिन तक वो जगह जगह घूमे, आखिर में एक पारसी के यहाँ पे उनको घर मिला। लेकिन वहाँ पे उनको अपनी सरनेम भी चेंज करनी पड़ी। लेकिन जब पारसी ने देखा कि बाबा साहब जो है वो दूसरी कम्युनिटी से, यानी कि अछूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उनको वहाँ से अपने सामान के साथ निकलने के लिए मजबूर किया। और इसी दुखद अनुभव के साथ बाबा साहब ने बड़े ही खराब समय में इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद वो जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बॉम्बे की जो ट्रेन है वो 4 घंटे लेट थी। तो पास ही में एक गार्डन था जहाँ पे बाबा साहब गए, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो बैठे, और उन्होंने ये 11 दिन का जो अनुभव था वो याद करके खून के आंसू रोए। और जब बाबा साहब को ये फीलिंग हुआ कि आज मैं विलायत से पढ़ लिख के आया हूँ, मेरे पास इतनी सारी डिग्रियाँ है, इसके बावजूद आज मेरे साथ इतना छुआछूत हुआ, यहाँ पे मुझे रहने तक की जगह नहीं मिली, मेरे ऑफिस के कर्मचारियों ने मुझे साथ सरकार नहीं दिया, तो कल को मेरा जो समाज है, जो आज भी गुलाम है, आज भी दबा कुचला हुआ है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, तो इन फ्यूचर उनकी क्या हालत होगी। बाबा साहब ने वहीं पे संकल्प लिया, जिसे आज हम संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं, सयाजी बाग में। वहाँ पे संकल्प लिया कि मेरे समाज को मैं उस जगह ले जाऊँगा कि वो खुद अपनी तरक्की कर पाएगा और अपना एक नाम कर पाएगा।
इस वजह से 23 सितंबर को संकल्प भूमि जो है उसका हम प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से आज हम यहाँ पे कलेक्टर कचहरी आए हुए हैं। जो रूम है उसकी साफ सफाई अभी तक नहीं हुई है, 2 दिन बाकी है संकल्प भूमि के उत्सव को, फिर भी तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस दिन का महत्व समझें। जितना ही महत्व संकल्प भूमि का है, उस जगह का है, उतना ही महत्व ये जगह का भी है, क्योंकि ये जो जगह थी यहीं से बाबा साहब को इतनी यातनाएं हुई, और इसी यातना की वजह से आज संकल्प दिन हम बना रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस दिन का महत्व आप समझें, और बड़ी तैनात में आप यहाँ पे आए। 23 सितंबर को सुबह 9 बजे भंते करुणाशील राहुल आ रहे हैं, और यहाँ पे बुद्ध वंदना का कार्यक्रम है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सब यहाँ पे आए। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहीं पे मैं अपना समापन करता हूँ।